तो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटेल के बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो कि निकला हुआ है इस मंथ में, उसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं इंटेल एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ब्रांड है। यहाँ पे बहुत सारे जो कि कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें सेल होता है, इस कंपनी है। तो दोस्तों, अगर चाहते हैं इंटेल में काम करना, इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इसका जॉब, और कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, क्या क्या आपको प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा सब कुछ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या जॉब निकला हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका जो पेज है, इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पेज में आने के लिए। इस लिंक को आप क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको जाना होगा, जाके आपको सर्च जॉब आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सर्च जॉब अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑल वर्ल्ड जो जो कंट्री है वहाँ पे जो जो जॉब निकला हुआ है आप वो सब देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जॉब्स है यहाँ पे फिल्टर करके अगर आप चाहते हैं कि देखना, तो आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं फॉरेन में कोई भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करना, तो वहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको लोकेशन सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन वाइज जो कि है बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया, जो इंडिया में जो बेंगलोर में जो कि बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके बारे में अगर चाहते हैं, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो पोस्ट हुआ है 437। इसके बाद जो है हिल्स बोरो OR, उस कंट्री के लिए यहाँ पे जो कि पोस्ट हुआ है 290। उसके बाद है पिनांग PNGMY, इस कंट्री के लिए जो भी पोस्ट हुआ है 274। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे जो कि कंट्री है यहाँ पे जो यहाँ पे जॉब पोस्ट हुआ है। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा अगर आप चाहते हैं कि इंडिया इंडिया के अलावा और दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उस कंट्री को करके। वहाँ पे अगर कोई भी अच्छा सा पोस्ट या आपको क्वालिफिकेशन से कोई भी पोस्ट अगर निकला होता है, तो आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा इंडिया के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, इंडिया के लिए आपको यहाँ पर बेंगलोर जो कि है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद इस बेंगलोर या इंडिया में जो जो इंटेल के जॉब निकला हुआ है आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेंगलोर जो कि इंडिया में एक सिटी जो कि बेंगलोर है, यहाँ पे इंटेल के कंपनी जो यहाँ पे है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको बेंगलोर में जाके आपको जॉब करना होगा, क्योंकि इंडिया इंडिया में बेंगलोर के अलावा और कोई कहीं भी इसका जो कंपनी का कोई भी नहीं होता है इसका पोस्ट, या इसका जो और कंपनी है उसका इंडिया के बेंगलोर के सिटीज अलावा और कोई भी जगह में नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पहला जो जॉब निकला हुआ है यहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर, जिसका सिटी रहेगा बेंगलोर स्टेट। यहाँ पे कर्नाटक का जॉब लोकेशन इसका बेंगलोर ही रहेगा। जॉब टाइप जो कि है यहाँ पे एक्सपीरियंस हायर आपको लगेगा। इसके साथ साथ कंट्री यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस जॉब के लिए इस जॉब के जो ऑल डिटेल्स है यहाँ पे चलाया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस जॉब के लिए अप्लाई करना, तो आपके अप्लाई करने के लिए आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ के जो कि आपको पेज आएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अप्लाई के यहाँ पे कुछ भी जो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्लाई अप्लाई के जो कि बटन यहाँ पे चला है, आपको उस पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। अप्लाई में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो कि जो टर्म एंड कंडीशन है आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा।
उसमें क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म जो है आपको ये फॉर्म फिलअप करना हो, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी अदर्स जैसे कोई भी फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम दे के यहाँ पे हायर नहीं करता। इसके साथ साथ मैं यहाँ भी आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जस्ट इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आपको इस फॉर्म को फिलअप करना हो, फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम जो है आपको वो देना होगा, उसके साथ साथ आपका लास्ट नेम जो है आपको वो भी देना होगा, इसके साथ साथ आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है आपको वो भी देना होगा, इसके साथ साथ आपको आपका जो कंट्री है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंट्री जो सिलेक्ट करना होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर जिस भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कंट्री के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका यहाँ पे एक रिज्यूम जो कि है आपको सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों आपका जो अपडेटेड रिज्यूम है आप वो भी सबमिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जो कि जब आप पहले जा कोई भी अगर रिज्यूम है आप देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो अपडेटेड सीवी है, सीवी या रिज्यूम है, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोग वहाँ से वही अटैच कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इंटेल की बहुत सारे जो पोस्ट निकला हुआ है इस मंथ पे आप लोग वो और दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू जो कि ऑप्शन आता है आपको ये पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या होगा, और इसका आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट फॉर्म जो सबमिट हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, क्योंकि इंटरव्यू के कॉल आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आप जॉब मिल सकते हैं इंटेल में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, या वहाँ के अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वहाँ पर जाके भी मेरे को SMS कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए यही वीडियो काफ़ी यही तक है, दूसरे वीडियो में मिलता हूँ।